ही दरिया दीदी की सारी हदें पार कर दी। केटीएफ छापे लुके स्टार कास्ट ने कितनी फीस चार्ज की? क्या श्री नीति शेट्टी ने केटीएफ छापे लुके के लिए 7 फिल्मों को रिजेक्ट कर दिया था? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोस। मूवी केजीएफ चैप्टर 1 में नजर आए सुपरस्टार यश ने एक ऐसा ऐलान किया था जिसके बाद उनकी सोशल मीडिया पर वाहवाही हो रही है। फैंस यश का गुणगान करते नहीं थक रहे हैं। अपनी दरियादिली के लिए मशहूर एक्टर यश ने कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के वर्कर्स को लॉकडाउन में आर्थिक मदद करने का फैसला लिया था। यश ने घोषणा की थी कि वह कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के 3,000 वर्कर्स के लिए 1.5 करोड़ रुपए डोनेट करेंगे। यश ने बताया कि हर वर्कर के अकाउंट में 5,000 ट्रांसफर किए जाएंगे। इस बारे में सुपरस्टार यश ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करके किया था। इसमें उन्होंने लिखा, कोविड-19 ने पूरे देश में अनगिनत लोगों की जीविका पर बुरा असर डाला है। हमारी अपनी कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री ने इसे बुरी तरह से प्रभावित किया। ऐसे बुरे वक्त में मैंने फैसला लिया है कि मैं अपनी कमाई में से 3,000 वर्कर्स के खाते में इस महीने 5,000 रुपए ट्रांसफर करूंगा। आपको बता दें, इसमें उनकी इंडस्ट्री के 21 डिपार्टमेंट शामिल है। उन्होंने आगे कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि इससे उस नुकसान और कष्ट का समाधान नहीं हो सकता जिसे हम कोरोना के कारण जूझ रहे हैं, पर यह उम्मीद की किरण है। यह उम्मीद है विश्वास का, निश्चितता का और बेहतर समय का। खैर, केजीएफ चैप्टर 2 का इंतजार कौन नहीं कर रहा है, तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ रॉकिंग स्टार की अपकमिंग ब्लॉकबस्टर फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 की स्टार कास्ट की पीस के बारे में। केजीएफ चैप्टर 2 कन्नड़ एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें आपको मेन रोल में रॉकिंग स्टार यश, श्रीनिधि शेट्टी और सांचे दत्त देखने को मिलेंगे। इस फिल्म का इंतजार लगभग 3 सालों से किया जा रहा है। पहले फिल्म 2020 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इस मूवी की शूटिंग कम्प्लीट नहीं हो पाई और यह फिल्म 2020 में रिलीज नहीं हो पाई। केजीएफ चैप्टर 2 मूवी काफी बड़े बजट पर बनाई जा रही है। बताया जा रहा है इस फिल्म का बजट लगभग 100 से 150 करोड़ रुपए का है। इस बार आपको केजीएफ चैप्टर 1 से भी ज्यादा धमाका देखने के लिए मिलने वाला है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि केजीएफ चैप्टर 2 कितनी ज्यादा बेहतरीन होने वाली है। वहीं अगर बात करें केजीएफ चैप्टर 2 के स्टार कास्ट की सैलरी की, तो इस मूवी के लिए रॉकिंग स्टार यश ने 30 करोड़ रुपए अपनी फीस चार्ज की और इस फिल्म के विलन का किरदार निभाने वाले संजय दत्त ने अपनी 12 करोड़ लिया है और इस मूवी के लीड एक्ट्रेस यानी श्रीनिधि शेट्टी ने 2 करोड़ अपनी फीस चार्ज की है। तो चलिए अब जानते हैं साउथ इंडियन एक्ट्रेस श्रीनिधि शेट्टी के बारे में, जो केजीएफ चैप्टर 2 के लिए इतनी जुड़ी है कि उन्होंने इस मूवी में काम करने के लिए 7 बड़ी फिल्में को मना कर दिया था। श्रीनिधि शेट्टी, जिन्होंने यश अभिनीत केजीएफ चैप्टर 1 में रीना का प्ले रोल किया था, दूसरी बार में भी रॉकी भाई की गर्लफ्रेंड के रोल में नजर आने वाली है, जो पहले से और भी ज्यादा मजेदार अंदाज में होगा। श्रीनिधि ने बताया, मैंने केजीएफ चैप्टर 2 के लिए 7 फिल्मों की ऑफर ठुकरा दिए हैं। केजीएफ पार्ट 1 की इतनी सफलता के बाद निर्माता इसकी अगला पार्ट प्लान से पहले ही बनाना चाहते थे। इस बीच मुझसे कई डायरेक्टर्स ने उनके प्रोजेक्ट के लिए बात की, जो कि मैंने मना कर दिया। श्रीनिधि शेट्टी सुपरहिट फिल्म केजीएफ पार्ट 1 का हिस्सा थी। मूवी का दर्शकों को इतना प्यार मिलने के बाद उनके पास कई ऑफर थे। मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि कई डायरेक्टर्स ने अपनी फिल्म के लिए बात की, पर वो जून से अक्टूबर की डेट्स मांग रहे थे, जो केजीएफ के लिए थी, इसलिए मैंने सबको मना कर दिया। श्रीनिधि ने बताया, मैंने कन्नड़ में 3 फिल्में, 2 तमिल और 2 तेलुगु के फिल्में छोड़ी हैं। जिसने पार्ट 1 देखा हो, वो अंदाजा लगा सकता है कि पार्ट 2 पहले से 5 गुना ज्यादा एंटरटेनमेंट लेकर आने को। मूवी अगले साल अप्रैल में बॉक्स ऑफिस पर आने वाली है। पर अब देखना होगा कि केजीएफ चैप्टर 2 अपने पहले सारे रिकॉर्ड तोड़ पाते हैं या नहीं। और आप सभी केजीएफ चैप्टर 2 को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं? आप अपनी ओपिनियन हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी अच्छी वीडियो बनाने के लिए मिल जाए।